దేశ సరిహద్దుల్లో ప్రతికూల వాతావరణం జవాన్లకు సవాలుగా మారింది కొద్ది రోజులుగా జమ్మూ కాశ్మీర్ బార్డర్లో పెరిగింది మంచు కూడా విపరీతంగా కురుస్తోంది దీంతో జవాన్లకు అవతిలి వైపు ఎవరున్నారో కూడా స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు ఉన్న జవాన్లతోనే గస్తీ కాయటం కష్టంగా మారింది దీంతో సమస్యను అధిగమించేందుకు అదనంగా జవాన్లను బార్డర్కి పంపించారు इसमें हम पेट्रोलिंग द्वारा क्योंकि फोग होने से इलाका जो है साफ दिखाई नहीं देता है पाकिस्तान की हरकतें जो है ज्यादा बढ़ जाती हैं इसलिए हम पेट्रोलिंग से ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग करके और एरिया को कवर करते हैं इसी तरीके से नाका ओपी करके हम ये एरिया को कवर करते हैं रही फोग का और ठंड की बात तो ये हमारा प्रशिक्षण का एक हिस्सा है इसको हम अच्छे बल से निपट लेते हैं अपने कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती हम देश की सेवा करने के लिए आए हैं चौबीस घंटे हम यहाँ पे तैनात रहते हैं हमारे को ठंड गर्मी या क्या नाम है बारिश से कोई खास असर नहीं पड़ता है हम यहाँ पे देश की से, देश के लोगों के सेवा के लिए डटे हुए हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोगों का सीमा सुरक्षा बल परिवार का मोटो है जीवन पर्यत कर्तव्य चाहे वो भौगोलिक वातावरण विषम क्यों न हो हम लोगों की सिखलाई इस प्रकार की दी जाती है कि हम सीमाओं पर चाहे सर्दी हो गर्म गर्मी हो या ठंड हो हम लोग 24 घंटा सीमा सीमा की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं तैयार रहते हैं संगठन द्वारा कुछ ऐसे स्पेशल उपकरण है जो कि रात और दिन में दोनों जो है देखने के लिए काम करते हैं और उसी से जो है इस सीमाओं की देखभाल करते हैं जी हाँ हम लोग उनकी रक्षा के लिए डटे हुए हैं इस प्रकार का हम लोगों को राष्ट्रीय हित के लिए जो है तत्पर किया जाता